नालासोपारा अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वसंत नगरी सेठ विद्या मंदिर के पीछे निर्माणाधीन एक बड़े नाले में एक 55 से 60 वर्ष की आयु की महिला का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की जानकारी स्थानिकों द्वारा तुरंत अचोले पुलिस को दी गई, जिस पर अचोले पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची तथा मृत महिला का शव नाले से बाहर निकालने के लिए वसई विरार महानगर पालिका के दमकल विभाग को बुलाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मनपा के फायर फाइटर घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानिकों की मदद से महिला का शव बाहर निकाला गया तथा उसे एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुणाल तमर है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से एक महिला का शव नाले से बरामद किया गया है, क्या कहिए इस बारे में, क्या जानकारी दीजिए। हमें जैसे वर्दी मिला कि नाले में औरत गिरी है, तुरंत हम लोग आ गए और उनको स्ट्रेचर में डाल के ऊपर निकाल दिया। महिला की उम्र कितनी, लगभग कितनी लग गई आपकी उम्र? उसकी उम्र 60 के ऊपर ही लगते है। नाले की जो ऊंचाई है क्या लगता है, इस ऊंचाई से गिर के किसी की मौत हो सकती है? ये हम लोग कैसे बता सकते हैं, नाले में पानी रहता तो नहीं भी हो सकता था, जिसको तैरने नहीं आता। अभी नाले की ऊंचाई क्या होगी अंदाजे? 20 मीटर होगा, 15 से 20 फीट रहेगा। वहीं अब सवाल उठता है कि वो बुजुर्ग महिला नाले के पास क्या करने आई थी तथा यहाँ पहुंची कैसे। वहीं मनपा के ठेकेदार द्वारा निर्माणाधीन इस नाले में सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं कि कोई यहाँ आता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। फिलहाल इस महिला की मौत कैसे हुई, नाले में गिरकर या किसी ने इसकी हत्या कर शव यहां फेंका है, यह जानकारी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मिलेगी। फिलहाल आगे की जांच अचोले पुलिस कर रही है। नालासोपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।